हाँ बच्चों, वेव्स की एमसीक्यूज करा रहा हूँ। ऑक्सीलेशन की कराने के बाद कट सर भाई आप कहाँ हो? हाँ यार ये आ गए। व्हेन साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर ऑफ दीज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ या पाथ। तो पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन है मेरे पास जो आपको समझाता हूँ मैं। कहते हैं साउंड ट्रेवल अबाउट 4 टाइम फास्टर एंड फर्दर इन वाटर देन इट डज इन एयर। हैज़ मीडियम चेंजेस फ्रॉम एयर टू वाटर वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। तो मेरे भाई इसमें एक फैक्टर है जो सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, और वो कौन सा फैक्टर होगा? फ्रीक्वेंसी का। बाकी सारी चीज़ें चेंज होंगी। फिर देखें, वेव बॉडी इज जनरेटेड बाय एन ऑक्सीलेटर इन वाइब्रेटिंग मीडियम एंड प्रोपेगेशन ऑफ वेव थ्रू मीडियम इज बाय मीन्स ऑफ ऑक्सीलेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। यार देखो, जिन्हें मीडियम चाहिए वो सारी वेव्स क्या कहलाती हैं? मैकेनिकल। और जो ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल है वो इन्हीं की दो टाइप है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। यार ये बड़ी ख़तरनाक होती हैं, कान का पर्दा फट जाता है। और अल्ट्रासोनिक इंसान को नहीं सुनाई देती, जानवरों को सुनाई देती है। और अगर कोई आपका वफादार जानवर भी है और अल्ट्रासोनिक सुन लेगा तो एकदम उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा और वो पागल हो जाएगा मेरे भाई। इतनी ख़तरनाक होती हैं ये वेव्स। ओके, वेरियस फीचर ऑफ वेव फिनोमेना कैन बी वेरी कॉन्वेंटली स्टडीड बाय एन ऑपरेटर्स कॉल्ड। ये रिपल टैंग होता है। वेव का कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो ये तो जहन में बैठा लो यार, हमेशा के लिए ध्यान रखो, इसका आंसर रिपल टैंग होगा। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, देखो अगर वो बिल्कुल एडजेसेंट है तो लैम्डा बाय 4 है, ऑल्टरनेट होता है तो 3λ/4 होता है। व्हेन गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इट वॉल्यूम इज इंक्रीज एट इन डेंसिटी। यार अब जब हीट करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी ना, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। टू सोर्सेज साउंड आर टू बी कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस साउंड ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, दे प्रोड्यूस साउंड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी, दे प्रोड्यूस साउंड वेव वाइब्रेटिंग विद सेम फेस, दे प्रोड्यूस साउंड वेव विद जीरो और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस ऑल इंस्टेंट ऑफ टाइम। जवाब दो, ये है ना मसला कि MCQs को कैसे सॉल्व करें, वही करवा रहा हूँ मैं आखिर में। बहुत डिटेल में है ये बात। तो मेरे भाई इसका आंसर है दे प्रोड्यूस्ड। आंसर की वाली में ऐसा क्यों आ रहा है जबकि मैं पढ़ देता हूँ आपको। दे प्रोड्यूस साउंड वेव इज जीरो और कॉन्स्टेंट फेस डिफरेंट ऑल इंस्टेंट एट टाइम। और इसका जवाब है कोहेरेंट साउंड इन इज वन विच हैज़ डेफिनेट फेस रिलेशनशिप, द फेस डिफरेंस शुड आइदर बी जीरो और कॉन्स्टेंट इन टाइम, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन लाइट। तो क्या होना चाहिए? या तो भाई साउंड वेव ज़ीरो होनी चाहिए या कॉन्स्टेंट वेव डिफरेंस होना चाहिए ऑल टाइम पे। तो ये है रिजल्ट। चलें जी, अगला मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा यहाँ से वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही है उस आंसर की में या नहीं हो रही है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीट, मैंने नीचे भी लिखी है, नीचे से सिखा देता हूँ। टू सोर्सेज हैव, तो ये तो बहुत आसान है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आप फॉरन कर लेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ रडार वेव फ्रॉम एरोप्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉपलर इफेक्ट। बाउंसिंग वेव ऑफ वेव फ्रॉम बाउंड्री ऑफ टू डिफरेंट मीडिया इज नोन हैज रिफ्लेक्शन। ये भी सिंपल है। व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीट वन एनदर रिजल्टिंग इंटरफेरेंस गिव राइज टू। यार ये कहलाता है स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, दोनों एक ही बात होती है। वेव विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर ट्रांसपोर्ट, हाँ जी ये क्या होगा? ये इधर से नीचे से
फिर भी आई थिंक शायद बेहतर आ रहा है। इसका जवाब है एनर्जी, ठीक है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका जवाब क्या होता है बच्चों? एनर्जी। ये आज थोड़ी सी डबिंग आ रही है आंसर की। एनी हाउ, वेव डिस्टर्बेंस में ऑल्सो कम इन कंसंट्रेटेड बंडल लाइक शॉफ वेव फॉर्म एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट। यार ये सारे का सारा चक्कर क्या है बताता हूँ। सोनिक स्पीड तो होती है जब स्पीड ऑफ साउंड पे आ जाए, सुपर सोनिक होती है जब ये मौजूदा हम बात कर रहे हैं। वेव डिस्टर्बेंस में ऑल्सो कम इन अ कंसंट्रेटेड बंडिंग लाइक शॉफ वेव फॉर्म एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट सुपर सोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक तो और ज़्यादा होती है जब ये 5 times हो जाए, सुपरसोनिक में 3 times होती है और इसको मैच नंबर भी कहते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप की V/12 होती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड बिकम डबल दैट इज वॉट 27। यार ये एक न्यूमेरिकल है, मैं कोशिश करूँगा कल ये सॉल्व करवा दूँ। 273 प्लस करते 300 हम पुट करते हैं और इसके स्क्वायरिंग बहुत करते हैं। केल्विन में आंसर 1200 आता, 273 माइनस करेंगे 927 होगा इसका आंसर। वैसे व्हेन साउंड वेव ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मूव विद वेलोसिटी ड्यू टूवर्ड्स ऑब्जर्वर एड्रेस स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज वी दी चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज गिवन बाय। चलो इसको मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। ये फार्मूला जहन में रखें, F'=V/V-V0F। थ्रू विच करेक्टर वी कैन डिस्टिंग्विश लाइट वेव फ्रॉम साउंड वेव। ये पोलराइजेशन, क्योंकि देखो लाइट वेव ट्रांसफर नेचर रखती हैं, पोलर और साउंड वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव रखती हैं। कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस N+√λ होता है यार, ये तो आसान है। विच ऑफ फॉलोइंग इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव्स होती हैं। बाकी ये वेव्स ऑन प्लट स्ट्रिंग, वाटर वेव, लाइट वेव, ये सब जो हैं ट्रांसफर वेव के एग्जाम्पल हैं। साउंड वेव्स हैज़ फ्रीक्वेंसी 165 Hz, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 300, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नोट इज। यार वैसे जो स्पीड ऑफ साउंड होती है इसको यहाँ 300 नहीं 330 लिया जाएगा, और 330 165 से डिवाइड होगा, इसका आंसर 2 होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस पे बिल्कुल करती है जी, और इनमें से यही ऑप्शन होगा। अच्छा बड़ी दिलचस्प बात है, सॉलिड की में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड, फिर गैसेस में। लोग इस बात पे हैरान होते हैं कैसे सॉलिड की तो डेंसिटी ज़्यादा और डेंसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल है, हमारे सॉलिड की इलास्टिसिटी इसकी डेंसिटी से कहीं ज़्यादा है। डेसीबल यूनिट के इसका होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का। लाप्लास फार्मूला इज ड्राइव फ्रॉम, यार ये हुआ था एडियाबेटिक से, न्यूटन से ही तो गलती हुई थी कि वो एयर को आइसोथर्मल समझ रहा था, जबकि एयर क्या होती है? एडियाबेटिक। अनफॉर्चुनेटली आज ये थोड़ा हिल जाता रहा है, अगर मौका मिला तो मैं इस वीडियो को दोबारा अपलोड कर दूंगा, लेकिन NED का टेस्ट करीब है तो चारों ज़्यादा मटेरियल तुम लोग मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट।